मैथ्स में आपका क्या बेसिक सोर्स रहा है, पूरा मटेरियल वगैरह वगैरह बताओ। सर मैंने सर बेसिक कर लिया था सर वहाँ पे कोचिंग में, बट सर वो हाई लेवल का नहीं था तो सर मतलब उससे कम्पीट नहीं कर सकता था मैं। फिर मैंने प्रीवियस ईयर लगानी चालू की सर, मैंने मिस्टेक जो की ना एक दो साल शुरू में, मैं चैप्टर करता था फिर सर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था, और सर फिर नेक्स्ट चैप्टर के भी ऐसे ही करता था। तो सर ऐसे करते करते 3 महीने में जाके वो कंप्लीट होती थी, बट सर जैसे मैंने 3 महीने पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया था, परसेंटेज किया था, वो गायब हो जाता था सर। 3 महीने तो किसी को याद नहीं रहेगा, करने को तो मैंने वो 3 बार कर ली एक साल में, बट कुछ आता नहीं था। तो सर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती होगा भी नहीं होगा, तो उससे थोड़ा वो होने लगा था, कॉन्फिडेंस डाउन। तो सर फिर एक मैंने वीडियो देखी पवन राव सर की, हाउ टू स्टडी मैथ्स। तो सर उन्होंने बताया कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करो, फिर नेक्स्ट के करो, फिर नेक्स्ट हो से नेक्स्ट पे जाओ तो फिर उन दोनों के करो पहले। जैसे आप डेली 100 क्वेश्चन करते हो तो पहले 50 उनके करो फिर नेक्स्ट चैप्टर के, मतलब 50 आप उनके करो जो पहले आप कर चुके हो ताकि एक रिविजन हो जाए और फिर नए 50 करो। तो सर मैं डेली फिर हाफ चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन करता था और हाफ के नेक्स्ट डे, तो जिससे मेरा रिवीजन होता रहता था। और सर मैं कंसेप्ट भी डेली रिवाइज करता था, जो मैंने सब कंसेप्ट लिख रखे थे ना, नोट सुनाए थे आप। जी सर, पहले मैं कंसेप्ट रिवाइज करता था, तो सर उससे मेरा ये हो जाता था कि एवरेज वाले क्वेश्चन में मिक्सर एंड एग्रीगेशन वाला फॉर्मूला लग गया, क्योंकि सारा एरिथमेटिक सर कनेक्टेड है आपस में। तो सर उससे ही आपका माइंड चलने लगता है कि मैं इस फॉर्मूले से वो भी कर सकता हूँ, और इस एक क्वेश्चन को करने के 4 फॉर्मूले होते हो, आपको पता लगे इस वाले क्वेश्चन में कौन सा लगाना चाहिए कि ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की, तो कहाँ से कर रहे थे, सोर्स क्या था उसका? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर मेरे टाइम पे वही आती थी बुक, प्रीवियस ईयर की किरण। तो सर मैंने वो किरण ही कर रखी थी सर पहले, वो मैंने 3-4 डरे नहीं थे अब 18 में तो कैट वेट का भी खूब चला था कि कैट का पेपर आ गया है। सर बुक ले आया था मैं कैट वाली, वो जो आती है, हाँ वो भी की मैंने, हाँ। बट सर फिर जब टीचर्स ने एग्जाम लिया, मैंने दे दिया 18 वाला, तो फिर मुझे लगा कि अब ये उससे नहीं आ रहा है, रेलिवेंट नहीं है।